हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 100 मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फॉर नीट 2020। दोस्तों, आज अपन इस लेक्चर में नीट 2020 के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरे देखें एंड ऑब्जर्व करें कि आपको ये मेथड पसंद है, क्या आपके लिए मेथड हेल्पफुल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डज नॉट डिफर बिटवीन C3 और C4। डज नॉट डिफर C3 और C4। देन फर्स्ट ऑप्शन है इनिशियल CO2 एक्सेप्टर। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर देखें तो C3 में होता है वो होता है RUBP और C4 में होता है वो होता है PEP। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग, क्योंकि डज नॉट डिफर बिटवीन C3 C4 क्वेश्चन में पूछा है। देन सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, यानी प्रकाश श्वसन C3 में तो होता है, फोटो रेस्पायरेशन C3 में तो होता है बट C4 में नहीं होता है। तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब है थर्ड ऑप्शन एंजाइम कैटलाइजिंग रिएक्शन दैट फिक्सेस CO2, यानी C3 में तो एंजाइम होता है होता है रूबिस्को और C4 में होता है पैपकेज। तो थर्ड ऑप्शन है वो भी हो गया रॉन्ग। अब है फोर्थ ऑप्शन फर्जेंस ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल है वो C3 और C4 दोनों में फर्जेंस होती है, तो फोर्थ है वो हो गया करेक्ट। अब फिफ्थ है लीप एनाटोमी। लीप एनाटोमी C3 और C4 में अपन बिटवीन डिफरेंट देखें तो वो है C4 में होती है वो क्रेंस एनाटोमी प्रेजेंट होती है पर C3 में प्रेजेंट नहीं होती है। तो फोर्थ है न फिफ्थ है वो भी रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है, शो द करेक्ट आंसर इज बी, यानी जो डिफरेंट नहीं है C3 और C4 में वो एक फोर्थ ऑप्शन है वो ही करेक्ट है, फर्जेंस ऑफ केल्विन साइकिल। तो सो करेक्ट आंसर हो गया ओनली फोर्थ, यानी आंसर है बी। अब अपन सेकेंड क्वेश्चन देखें तो इसमें है फिगर को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट दे रखा है वो फिगर है युग्लिना का, सेकेंड फिगर दे रखा है वो है पैरामीशियम का, और थर्ड फिगर दे रखा है वो है एगेरिकस। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए में युगेलिना, करेक्ट। बी में देखे ए में तो युग्लिना वो भी करेक्ट है, सी में देखे तो ये देगा प्लेनेरिया जो कि इनकरेक्ट हो गया, और डी में है वो है युग्लिना तो डी भी हो सकता है। अब अपन बी की बात करें तो बी है वो है पैरामीशियम का डायग्राम, तो इसमें बी में फर्स्ट ऑप्शन में देखे दो देर का पैरामीशियम तो करेक्ट, बी में सेकंड ऑप्शन प्लेनेरिया तो बी हो गया इनकरेक्ट। अब सी और डी में भी पैरामीशियम दे रखा है तो सी पहले से करेक्ट था, बी अब करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन अपने पास बचे हैं ए और डी। ए में अगर सी ऑप्शन में देखे तो फर्स्ट में दे रखा है एगेरिकस, और डी में सी में दे रखा है एस्परजिलस, तो एस्परजिलस इनकरेक्ट है। तो सो द करेक्ट आंसर ए, तो इसका आंसर हो गया ए। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन है न्यूक्लियर DNA एग्जिस्ट एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड डैश द कंडेंसेशन इनटू डैश ड्यूरिंग सेल्युलर डिवीजन। ये बात कर रहा है न्यूक्लियर DNA की। तो DNA बाइंडिंग हिस्टोन से होकर बनाता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमेटीन, और क्रोमेटीन है वो कंडेंसेंस करके बनाता है क्रोमोजोम। तो क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर DNA एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड क्रोमेटीन, तो प्रोटीन के साथ में जो DNA है वो बाइंडिंग होकर बनाता है न्यूक्लियोसोम, उससे बनता है क्रोमेटीन। तो फर्स्ट में हो गया क्रोमेटीन, क्रोमेटिड रॉन्ग, क्रोमोफोर्स रॉन्ग, क्रोमोसोम रॉन्ग। तो फर्स्ट हो गया वो प्रोटीन है, उससे साथ कॉम्प्लेक्स DNA के साथ बनाकर क्या बनाएगा क्रोमेटीन, और कंडेंसेंस होके वो बन जाएगा क्रोमोसोम, किस फेज में प्रोफेज में। तो सो द करेक्ट आंसर है वो है डी। अब अपन देखें फोर्थ क्वेश्चन, तो वो है RQ वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट की RQ वैल्यू पूछी है अपने को। तो RQ वैल्यू होती है उसकी 1, सो द करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। अब अपन देखें RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन, तो उसकी होती है 0.9, फैट की देखें तो वो होती है 0.7,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखें तो वो होती है ग्रेटर देन वन, यानी एक से ज़्यादा, और मैलिक एसिड की देखें तो वो होती है 1.33। तो सभी आपको आर क्यू वैल्यूज़ है वो याद रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो वो है मैच द कॉलम फर्स्ट टू विथ चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कॉलम फर्स्ट को सेकेंड से मिलान करना है, मिस मैच का क्वेश्चन है ये। अब फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एल्गी, बी में दे रखा है फंगई, सी में है एंजियोस्पर्म, फिर है टेरिडोफाइटा और फिर है जिम्नोस्पर्म। इसको अपन ने इन एग्जांपल के साथ में मिलान करना है। अगर मिलान करें तो अपन देखते हैं कि एल्गी का एग्जाम यहाँ है क्लेमाइडोमोनास, तो ए का हो गया फोर्थ, तो ए का फोर्थ, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब अपन देखें बी का, तो बी का होगा फंगई का है इसमें वो है राइजो फर्स, तो बी का हो गया फिफ्थ। तो यहाँ देखें बी का फिफ्थ, तो ये बी का वन दे रखा है, तो सी और डी भी हो गए रॉन्ग। अब ऑप्शन बचा अपने पास ओनली फॉर बी, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन सी देखें तो वो है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम फर्स्ट ऑप्शन। डी में है वो है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट है इक्वेस्टियम का एग्जांपल है टेरिडोफाइट्स का। अब अपन देखें ई तो वो है जिम्नोस्पर्म, इसका एग्जांपल हो गया साइकस, सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब अपन सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं वो है इन बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमीज ए डैश इज ए कॉम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ ए टैक्सोन, ये एनसीईआरटी 11th का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें अपन ने पढ़ा था फ्लोरा मैनुअल क्या होता है, मोनोग्राम क्या होता है। सो द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सोन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है वो है मोनोग्राफ, सो द करेक्ट आंसर सी। अब अपन सेवंथ क्वेश्चन देखे तो वो है व्हाट इज द नंबर एंड पोजिशन ऑफ इंसर्शंस ऑफ फ्लेजिला इन क्लास रोडोफाइसी, यानी रोडोफाइसी क्लास है वो उसमें फ्लेजिला की पोजिशन और नंबर क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2-8 इक्वल और एपिकल पर प्रेजेंट होते हैं, 2 है अनइक्वल है और लेटरल पर प्रेजेंट है, 2 है 6 है अनइक्वल और लेटरल, और फोर्थ ऑप्शन है वो एब्सेंट। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोडोफाइसी है उसमें फ्लेजिला होते हैं एब्सेंट, तो सो द करेक्ट आंसर है वो है डी। अब अपन एट्थ क्वेश्चन देखें तो वो है आइडेंटिफाई द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है वो तो अफेक्ट करती है यानी कि सांद्रता। सेकेंड ऑप्शन है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी तो अफेक्ट करती है वो, तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी करेक्ट है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हाई टू डिफ्यूजन क्या होता है हाई टू लो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हाई टू लो चलने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, सो द करेक्ट आंसर हो गया थर्ड भी। अब अपन देखें फोर्थ है प्रेशर, तो प्रेशर भी सही है। अब फिफ्थ ऑप्शन है वो साइज ऑफ डिफ्यूजन मटेरियल, ये भी साइज पे भी डिपेंड करेगा मटेरियल की, क्योंकि परमेबल ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन, तो साइज पे भी डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल की साइज क्या है, सो द इनका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑल ऑफ दीज, यानी सभी करेक्ट ऑप्शन है अफेक्ट करने वाले डिफ्यूजन को। अब अपन देखें नाइन्थ क्वेश्चन वो है इन द क्लास फियोफाइसी द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सब स्टर्म बाई ए डैश ए एंड हैज ए स्टॉक फिर द डैश एंड लीप लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन, यानी कि सबस्टेंस किस भाग से जुड़ा रहता है फोटोफाइसी का प्लांट्स है वो, फोटोसिंथेसिस किससे करता है, तो अपन देखते हैं इसमें जो जुड़ा हुआ होता है वो तो होता है होल्ड फास्ट से, एंड स्टॉक है वो होती है स्टाइफ, और फोटोसिंथेसिस करता है वह फ्रॉन्ट से, सो द करेक्ट आंसर है वो है ए। अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखें तो वो है इन
Which of the following all listed genera belong to the same class of algae? यानी कि algae की कौन सी क्लास के सभी एग्जाम्पल सेम क्लास के हैं? algae में मेनली अपन ने तीन क्लास पढ़ी थी, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी क्लास का एग्जाम्पल है वो सेम क्लास के हैं सभी। तो फर्स्ट है कारा फाइकस और फाइलोसोफोनिया फोलिसोफोनिया। सेकेंड ऑप्शन है वॉलवैक्स स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। तो सो द करेक्ट आंसर है वो है बी वॉलवैक्स स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।